नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आकांक्षा दुबे मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जहां आकांक्षा दुबे का मुख्य आरोपी समर सिंह गिरफ्तार हो चुका है, वहीं दूसरी ओर समर सिंह ने अब अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि समर सिंह ने कोर्ट में याचिका को दायर किया है, जिसमें उसने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। बता दें कि समर सिंह के खिलाफ आकांक्षा दुबे की मां ने केस दर्ज करवाया था, जिसमें जान लेने के लिए उकसाने का आरोप मुख्य आरोपी समर सिंह पर लगा है, और साथ ही संजय सिंह पर भी आरोप लगाया गया है कि संजय सिंह ने आकांक्षा को धमकी दी थी। अब इसी में मुख्य आरोपी समर सिंह ने इलाहाबाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद समर सिंह ने अपने ऊपर लगे FIR को रद्द करने की याचिका दायर की है, जिसमें उसने सभी आरोपों को निराधार बताया है। फिलहाल आपको बता दें कि समर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले समर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, इनाम की भी राशि की बात की जा रही थी। तो इसी बीच समर सिंह को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। देखना ये होगा कि अब इस पूरे मामले में क्या बड़े खुलासे होते हैं, क्योंकि अब वक्त है मुख्य आरोपी समर सिंह से पूछताछ करने का।